सो दोस्तों, मेरे पास कुछ इस तरीके का एक कमेंट आया था कि सेशन तुम ये बताओ कि जो सैमसंग गैलेक्सी M11 है उसको ऐसे फ्यूचर में कौन से जो बड़े अपडेट्स हैं जो कि देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, बड़े अपडेट्स की अगर हम बात करें तो आपको One UI 2.5 का एक बड़ा अपडेट है जो कि देखने को मिलने वाला है कुछ ही महीनों के अंदर, और One UI 3.0 का जो मैसिव अपडेट है वो भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो उसी के बारे में आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है लोकेशन और आप लोग देख रहे हैं सेशन यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इसी तरीके की सॉफ्टवेयर रिलेटेड सी न्यूज़ सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। और अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलना। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें बड़े अपडेट्स की, तो इसमें आपको एक ही जो बड़ा नेम है वो मेंशन होता है, One UI 2.5। सो इसके जो अपडेट्स हैं वो सैमसंग की जो फ्लैगशिप सीरीज़ है, नोट सीरीज़ हो गई, एस सीरीज़ हो गई, इनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। S10 सीरीज़ को मिल गया है, Note 10 सीरीज़ को मिल गया है। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़ी जो सीरीज़ है, फ्लैगशिप जो सीरीज़ है, उनको मिल चुका है। धीरे धीरे ये आपको ए सीरीज़ कुछ स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है और बाद में आपको एम सीरीज़ में देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, कन्फर्म है कि सैमसंग गैलेक्सी M11 को One UI 2.5 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है। सैमसंग की ओर से जो लिस्ट लॉन्च हुई थी उसमें जो सैमसंग गैलेक्सी M11 का जो नेम है वो मेंशन है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी M11 को One UI 2.5 का जो बड़ा मेजर अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी रिलीज़ डेट कब है, तो मैं आपको आगे साथ में बता दूंगा इसकी रिलीज़ डेट के बारे में। और अब अगर हम बात कर ले इसके जो और जो बड़ा अपडेट है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है One UI 3.0 का। सो ये आपको अभी तो नहीं तो 2021 में देखने को मिलने वाला है, इसकी भी डेट मैं आपको बता दूंगा। तो सैमसंग गैलेक्सी की एक पॉलिसी है, सैमसंग जो ब्रांड है उसकी एक पॉलिसी है कि इसके जितने भी जो स्मार्टफोन है इसको 2 ईयर्स का जो दो बड़े मेजर OS अपडेट है वो देखने को मिलने वाले। सो सैमसंग गैलेक्सी M11 में एंड्रॉयड 11 और One UI 3 इंक्लूड है, तो यहाँ पे भी आपको ये अपडेट देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, आप लोगों को रिलीज डेट बताने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता देना चाहता हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी One UI 2.5 में आपको कौन से जो यूनिक फीचर है जो कि देखने को मिलने वाले। सो दोस्तों, मैंने उस वीडियो में सर आपको एक्सप्लेन कर दिया है कौन से नए फीचर्स मिलने वाले। सो आप लोग ऊपर आई बटन में प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, एक और वीडियो बनाई है One UI 3.0 में आपको कौन से जो नए फीचर्स है जो कि देखने को मिलने वाले। सो दोस्तों, उस वीडियो का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग उस वीडियो को भी ऊपर आई बटन में प्रेस करके देख सकते हैं। तो इन वीडियो को देखना ना भूलना इस वीडियो को देखने के बाद में। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं One UI 3.0 की रिलीज डेट के बारे में। पहले मैं आपको One UI 2.5 के बारे में बता देता हूँ, 2.5 का आपको अपडेट कब देखने को मिलने वाला। सो दोस्तों, अभी आपका सेप्टेम्बर मंथ चल रहा है, आपको अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये अपडेट श्योरली देखने को मिल जाएगा। और अब आप लोग भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि One UI 3.0 का जो मैसिव OS अपडेट है वो आप लोगों को कब देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, या तो वैसे तो सैमसंग की ओर से One UI 2.5 का जो अपडेट है उसकी जो ऑफिशियल डेट है वो लॉन्च हो चुकी है। One UI 3.0 की जो ऑफिशियल डेट है वो यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई है, वो तो यहाँ पे फ्लैगशिप की भी लॉन्च नहीं हुई है, तो मिड रेंज की तो अलग बात हो जाती है। तो फिर भी मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ सबसे ज़्यादा आपको ये कौन से मंथ में देखने को मिलती है। सो दोस्तों, 2021 में तो ये फिक्स आपको देखने को मिलने वाला है और सेकेंड क्वार्टर के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप लोगों को पता है सेकेंड क्वार्टर क्या है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अप्रैल, मई, जून, इन 3 मंथ में आपको ये प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि One UI 2.0 का जो मैसिव OS अपडेट है वो भी आपको 2020 में इसी मंथ में देखने को मिलने वाले थे। सो दोस्तों, आप लोगों को जो मैंने ये डेट बताई और जो भी न्यूज़ बताई वो न्यूज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इसी तरीके की अमेजिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड से न्यूज़ सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। और अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलना। पर्सनली अगर कुछ बात करनी हो तो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम या आइडिया पे मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से पर्सनली बात कर सकते हैं। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।